दोस्तों एक ब्रेकिंग न्यूज है आपके लिए, अभी अभी एक न्यूज निकल कर आ रही है जिसमें गूगल ने पेटीएम को रिमूव कर दिया है अपने प्ले स्टोर से इंडिया में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर में तो आपको वो वहां पर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो जो है रिमूव हो चुका है। आपको दूसरा ऐप तो दिखाई देगा लेकिन आपको पेटीएम का मेन ऐप जो है वो दिखाई नहीं देगा। अब ऐसा क्यों हुआ? तो गूगल को ऐसा लगता है ये जो पेटीएम है ये कुछ ऐसा काम कर रहा था जो उसके पॉलिसी को हर्ट कर रहा था। उस पॉलिसी का नाम है गेमिंग पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, इसी पॉलिसी की वजह से जो है गूगल ने इसको प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया है। तो बहुत सारे लोगों को इंडिया में ऐसा लगता है कि इंडिया में बहुत सारे एप्लीकेशन बैन हो गया, इसकी वजह से शायद पेटीएम भी बैन हो गया। तो ऐसा नहीं है, ये बैन नहीं हुआ है इंडिया में, गवर्नमेंट ने इसको बैन नहीं किया है, बस इस पॉलिसी की वजह से गूगल ने इसको प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों का इसमें पैसा है तो लोगों को ऐसा लगता है ये बैन हो गया, ये कुछ जो भी है, तो ऐसा कुछ भी टेंशन लेने वाला बात नहीं है, ऐसा पेटीएम ने बोला है, बस ये जो है गूगल प्ले स्टोर से इसको रिमूव कर दिया गया है। अब देखते हैं कि ये पेटीएम जो है कब तक अपने पॉलिसी में चेंजेस लाता है और कब तक अपने पॉलिसी को रेक्टिफाई करता है और वापस से जो है गूगल इसको प्ले स्टोर में कब तक इसको आने देता है। तब तक हम वेट करते हैं दोस्तों, अगर इसका कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को जरूर अपडेट करूंगा। मेक श्योर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, ये अपडेट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है या फिर कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको इंस्टाग्राम आई डी दिख रहा है, जाकर आप फॉलो कर लीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो बस दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।